देश के 6 राज्यों में लू चल रही है। इनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। यहाँ का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग ने केरल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी रहने की बात कही गई है। इनमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल है। मौसम विभाग ने कहा कि 7 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 18 और बिहार के 9 जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं झारखंड में 7 अप्रैल तक राज्य में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में अप्रैल में आंधी बारिश का ट्रेंड है। पिछले 10 में से 7 साल बारिश हुई है। इस बार भी ऐसा ही मौसम रहेगा। 7 अप्रैल से अगले 2 दिन प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर रहेगा। जबलपुर, भोपाल, शहडोल, रीवा समेत 18 जिलों में बारिश हो सकती है। IMG भोपाल के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसका असर 1-2 दिन के बाद प्रदेश में दिखने को मिलेगा। खासकर पूर्वी हिस्से में बारिश, आंधी और बादल रहेंगे। भारतीय मौसम विभाग ने इस साल ज्यादा गर्मी का अनुमान लगाया है। अप्रैल से जून के बीच 3 महीने तापमान ज्यादा रहेगा। वहीं इस बार 20 दिनों तक लू की संभावना जताई गई है, जो अमूमन 8 दिनों तक रहती है। IMD के मुताबिक अगले 3 महीनों में देश के 6 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में गर्मी का ज्यादा असर रहेगा। अगले हफ्ते तापमान 2 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है।